इस सेपरेशन टेक्निक में क्या होता है, किस तरह से करेंगे ये सेपरेशन टेक्निक? अच्छा, ये क्रोमेटोग्राफी के लिए जो हम यूज करते हैं अपैरेटस या जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसको एक पेपर होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। और जो क्रोमेटोग्राम होता है वो देखने में जैसे फिल्टर पेपर होता है उसी तरह का होता है, वाइट कलर का पेपर। अच्छा, होता है क्या, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस करा हो कि अगर आप जैसे टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को एक उसका एंड अगर आप क्या कहते हैं किसी वाटर में डिप करो, तो आप नोटिस करोगे कि वाटर जो है वो टिश्यू पेपर में ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब होके ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देता है। टिश्यू पेपर पूरा डिप नहीं हुआ हुआ, सिर्फ एक एंड डिप हुआ हुआ है। इसी तरह क्रोमेटोग्राम में भी ऐसा ही होता है, जब हम इसको किसी सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो क्रोमेटोग्राम पे ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगा। ये मेरा एक क्रोमेटोग्राम पेपर है, इसको मैंने किसी सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में डिप करा हुआ है, सिर्फ कुछ उसका पार्ट वाटर में डिप करा है। तो होगा क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसमें ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देंगे और करते करते वो किसी एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इसका फायदा हम क्या उठाते हैं, इसका फायदा हम ये उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ डाइज है, जैसे कि कलर होते हैं ना, इंक होती है, तो वो डिफरेंट कलर्स को मिला के बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे एक एग्जाम्पल ले लूं कि हमारे पास, अगर मैंने एक मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर का एक डाई था जो मैंने यहाँ पे लगा दिया, जहाँ सॉल्वेंट है उससे ऊपर मैंने लगा दिया, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो बना हुआ है इसमें हमने कुछ ब्लू कलर मिलाया है, कोई ब्लैक कलर का शेड है, उसको हमने ब्लू कलर लिया, ग्रीन कलर लिया और लेट से येलो कलर लिया, ये तीन कलर्स मिला के हमने ब्लैक का ये वाला शेड बनाया। जब ये तीन कलर्स मिल गए तो हमें कुछ इस तरह का शेड दिख रहा था ब्लैक का। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, और अगर हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर और क्या क्या कलर्स मिक्स करे हुए हैं, तो हम उसकी क्रोमेटोग्राफी करेंगे। और क्रोमेटोग्राफी किस तरह से करेंगे कि हम एक क्रोमेटोग्राम लेंगे, क्रोमेटोग्राम जो होता है वो इस तरह का रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर होता है, पेपर की तरह होता है, कहते हैं इसको क्रोमेटोग्राम। इसको हमने डिप करा लेट से सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट यहाँ पे हमने लिया है वाटर, और वो जो ब्लैक इंक थी हमारी उसका हमने एक स्पॉट या डाई कह लो उसको, या स्पॉट जो है एक ड्रॉप हमने यहाँ पे इस पेपर पे लगा दिया। अब ये पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएगा, जैसे आप किसी टिश्यू पेपर पे इंक या पेन से उसको ऊपर रखो पेन, तो वो उसके स्पॉट आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करा, इस क्रोमेटोग्राम को हमने सॉल्वेंट में रख के छोड़ दिया, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है जब ऊपर जाएंगे तो वो अपने साथ इस स्पॉट के अंदर जो डाइज हैं उसको भी, जो डिफरेंट कलर्स हैं उसको भी डिजोल्व करवा के अपने साथ ऊपर लेके जाएंगे। अब लेट से मैं कहूँ कि इसमें जो ब्लू कलर है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वाटर में वो सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट सॉल्युबल ग्रेटर ग्रेटेस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब पानी में ये सबसे ज्यादा डिजोल्व हो गए, मतलब पानी जब मूव कर रहा है ऊपर, या जो भी हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, इस केस में हमने वाटर लिया हुआ है एज अ सॉल्वेंट, तो ये क्या कर रहा है, इन ग्रीन ब्लू कलर की जो इंक है इसमें उसको अपने साथ ज्यादा ऊपर तक मूव करवा रहा है, और जो ग्रीन कलर है उसको भी वाटर अपने साथ मूव करवाएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं करवा रहा जितना कि ब्लू कलर को करवा रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ग्रीन कलर से ब्लू कलर से अगर कम है, ग्रीन कलर की अगर सॉल्युबिलिटी ब्लू कलर से कम है तो वो मूव तो करेगा वाटर के साथ ऊपर लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना ब्लू कलर करेगा। और थर्डली अगर मैं कहूँ कि जो येलो कलर है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो लीस्ट है, लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, तो वो भी मूव तो करेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना ज्यादा ब्लू और ग्रीन करेंगे। तो ब्लू कलर जो है वो वाटर के साथ ज्यादा ऊपर तक जाएगा तो वो ज्यादा ऊपर मिलेगा हमें, ग्रीन कलर जो है वो वाटर के साथ ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा लेकिन ऊपर जरूर जा रहा है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल जरूर है, तो ग्रीन कलर जो है हमें ब्लू कलर के नीचे मिलेगा, और जो येलो इंक थी हमारे पास वो जो है लीस्ट सॉल्युबल है तो वो थोड़ा ही मूव हुआ। तो इस ब्लैक कलर की डाई में से तीन अलग अलग कलर जो मिक्स हुए हुए थे, जो हमें मिक्स होने के बाद पता नहीं चल रहे थे सेपरेटली कि इसमें ब्लू ग्रीन या येलो कलर है, वो सेपरेट हो गए, और सेपरेट किस वजह से हुए, ड्यू टू
difference in solubilities in the solvent due to difference of solubilities in a solvent used, जो भी आपने सॉल्वेंट यूज किया है, जैसे यहाँ पे हमने वाटर यूज किया है, तो ये सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हम वाटर ही एज अ सॉल्वेंट यूज करें, डिपेंड करता है हम किस चीज को सेपरेट करवाना चाह रहे हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करवाना चाह रहे हैं तो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो उसके लिए फिर हमें ऑर्गेनिक को ही सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, जैसे इथेनॉल हो गया, ईथर हो गया। यहाँ तक बात समझ आई कि हम लोगों ने अगर कोई मिक्सचर ऑफ डाइज है हमारे पास या कोई भी चीज है, उसमें दो या तीन या उससे ज्यादा चीजें मिक्स हुई हुई हैं, और आपको पता लगाना है, सेपरेट करना है उन चीजों को, तो आप किस तरह से सेपरेट करोगे? क्रोमेटोग्राफी के जरिए। और क्रोमेटोग्राफी किस तरह से सेपरेट आउट करा रही है? जब सॉल्वेंट मूव होगा तो वो अपने साथ जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स को अलग अलग डिस्टेंसेस पे ले जाएगा। और अलग अलग डिस्टेंसेस पे ले जाने की वजह क्या है? क्योंकि हर कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में डिफरेंट है। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो कम ऊपर तक जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो हेंस क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो अ सेपरेशन टेक्निक। और ना सिर्फ उसने सेपरेट किया, असल में इतना सा डाई अगर आप सेपरेट करवा रहे हो तो उसको आप सेपरेशन टेक्निक, तो ये होती है ना कि अगर आपने दो, जैसे डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा, कि आपने ना पानी में से अगर डिस्टिल सॉल्ट वाटर है उसमें से डिस्टिल वाटर निकालना है, तो वो उसके लिए आप पूरा पानी ही निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही है वो एक हमने एक छोटे से स्पॉट की है। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक है बेसिकली ये हमारी यूज होती है आइडेंटिफिकेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर की इंक थी, मैं पता लगाना चाह रहा था कि इस ब्लैक कलर की इंक को किन और कलर से मिला के बनाया गया है। ठीक है, ब्लैक के भी डिफरेंट शेड्स होते हैं ना, जरूरी थोड़ी जेट ब्लैक हो, कोई डिफरेंट ब्लैक का शेड बनाया है, और मैं ये पता लगाना चाह रहा था उसको किन डिफरेंट कलर से मिला के बनाया गया है। तो उस वजह से मैंने क्या की है, इसकी क्रोमेटोग्राफी। अच्छा जी, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम पूछो। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट मूव हो रहा है, तो जो डिस्टेंस सॉल्वेंट मूव करता है इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। क्योंकि सॉल्वेंट देखो वो सबसे ऊपर तक सॉल्वेंट ही पहुंचेगा, और फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे पहुंचे, तो हर कॉम्पोनेंट का अपना एक डिस्टेंस होगा। लेकिन जो डिस्टेंस सॉल्वेंट ने मूव किया है उसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट फ्रंट। It is a distance moved by a solvent on a chromatogram. Distance moved by a solvent on a chromatogram. अच्छा, अब for example मैं बात करूं blue color की, ये जो हमारा ब्लू कंपोनेंट है। अब मैं कंपोनेंट क्यों कह रहा हूँ, कलर इसको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कलर्स की सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करें, और भी चीजों के लिए की जा सकती है, वो भी हम आगे देखते हैं क्या क्या होती है। जरूरी नहीं है कि कलर्स के लिए करें। कोई अगर मुझे फूड की टेस्टिंग करनी है कि पर्टिकुलर फूड जो है वो किस किस और फूड से मिला के बनाया गया है, तो मैं उसके लिए भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं करूँगा क्या, मैं एक आर एफ वैल्यू निकालूंगा। वो आर एफ वैल्यू क्या होती है, अगर मुझे ब्लू कलर के लिए आर एफ वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस क्रोमेटोग्राम में जब ये सॉल्वेंट फ्रंट जितना मूव करना है उतना मूव हो जाएगा, तो मैं उसको निकाल लूंगा सॉल्वेंट में से, उसको ड्राई होने दे दूंगा। जब वो ड्राई हो जाएगा तो जब कलर जहां तक पहुंचे वो वहां तक रुक जाएंगे, पानी उसमें से उड़ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो
स्केल से हम क्या करेंगे, जो ब्लू कलर ने डिस्टेंस मूव करा है ना, वो डिस्टेंस मूव मेजर करेंगे। अच्छा, वो डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं हम लोग, जो हम लोग जहाँ पे हमने स्पॉट लगाया है ना, ये वाला जिसको हम सेपरेट करवा रहे हैं, उस स्पॉट को जिस लाइन पे लगाया है, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं बेस लाइन। और ब्लू कलर ने जितना बेस लाइन से ऊपर मूव करा है, वो डिस्टेंस जब मैं मेजर करूंगा, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिस्टेंस मूव बाय ब्लू कलर डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस सॉल्वेंट फ्रंट ने मूव करा है, मतलब जो सॉल्वेंट था वो कहां तक गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रंट। और ये जो आर एफ वैल्यू जिसको मैं कह रहा हूँ, आर बड़ा है एफ छोटा है, सबस्क्रिप्ट में आर, इस तरह से इसको, ये हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग होगी। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो कंपोनेंट कितना मूव कर रहा है उस सॉल्वेंट में क्रोमेटोग्राम पे, तो वो एक अलग वैल्यू होगी और वो उस कंपोनेंट के लिए यूनिक वैल्यू होगी। मतलब ब्लू कलर की जो आर एफ वैल्यू है वो ब्लू कलर की होगी वाटर में, ग्रीन कलर की अलग होगी, येलो कलर की अलग होगी। और इस आर एफ वैल्यू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये कौन सा कंपोनेंट कितना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है वाटर के साथ मूव होने पे, वो होता है रिटार्डेशन फैक्टर। जैसे फिजिक्स में डी एक्सलेशन को भी हम रिटार्डेशन कहते हैं ना, तो समथिंग लाइक दिस याद रखने के लिए, वैसे आर एफ का नाम याद रखना, डेट वुड बी इनफ। इसी तरह ग्रीन कलर का जो ग्रीन कॉम्पोनेंट है उसका अलग निकलेगा आर एफ वैल्यू, और उसका आर एफ वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, जो ग्रीन ने बेस लाइन से जो डिस्टेंस ग्रीन कलर ने मूव करा है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। मतलब डिस्टेंस डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट फ्रंट ने, सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस मूव किया ना वो आएगा डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो डिनोमिनेटर तो इसका भी सेम होगा, लेकिन न्यूमरेटर में कौन सा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस मूव बाय ग्रीन कलर। सिमिलरली येलो कलर का अलग रिटार्डेशन फैक्टर होगा। तो इन रिटार्डेशन फैक्टर की बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर मुझे ऑलरेडी पता हो कि येलो कलर का रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो इतना आता है वाटर के साथ, तो अगर किसी कंपोनेंट का रिटार्डेशन फैक्टर इतना आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा येलो कलर है। अब कलर्स तो दिखते हैं ना, लेकिन जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी कर रहा हूँ किसी फूड मटेरियल की, जैसे जो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो अगर पता लगाना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली इसको कहाँ यूज कर रहे होते हैं, वो जो जो सिरेलेक वगैरह होते हैं उसमें जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, अगर हमें ये पता लगाना है कि वाकई जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वही इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अलावा कोई अलग चीज़ तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन उसकी क्रोमेटोग्राफी ऐसी ही होगी, आपने एक क्रोमेटोग्राम को डिप करना है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, अब वो सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वो कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो आपको बताएगा कि कौन सा सॉल्वेंट है। आपने एक बेस लाइन बनानी है क्रोमेटोग्राम पे, वहाँ पे वो जो फूड का कंपोनेंट है वो आपने वहाँ पे प्लेस कर देना है, और सॉल्वेंट जब मूव करेगा तो अपने साथ वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मूव कराएगा और डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मूव कराएगा, क्योंकि उनकी भी सॉलिबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अब हमें कलर फूड में उनके कलर क्या क्या है वो ज़रूरी नहीं है कि कलर की बेसिस पे करें, अगर वो कलरलेस हैं तब भी हम पता लगा सकते हैं। कलरलेस का पता लगाने के लिए हम एक लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करते हैं इस क्रोमेटोग्राम पे, और लोकेटिंग एजेंट जो है उनको एक अलग यूनिक कलर्स दे देता है, तो फिर हम उसके डिस्टेंसेस मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इसमें हमारे पास तीन डिफरेंट कॉम्पोनेंट ना सेपरेट आउट हुए, तो ज़ाहिर है अब ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे चले गए तो उसका क्या मतलब है कि ये डिफरेंट है। ऐसे ये फूड का भी वन कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फिर आयंस हो गए, मैग्नीशियम आयन हो गए, इस तरह के आयंस भी यूज होते हैं उस
खाने को, जो बच्चों का फूड होता है उसको बनाने में। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल प्रोटीन की आरएफ वैल्यू पहले से पता है कि वो 0.25 है, तो अगर यहाँ पे किसी कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू 0.25 आती है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो प्रोटीन है। लेकिन अगर किसी भी कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू 0.25 नहीं आ रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें प्रोटीन है ही नहीं, ऐसी लिखा हुआ है, झूठ लिखा हुआ है। और किसी एक कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू ऐसी आ रही है जिसमें जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और वो लिखा हुआ ही नहीं है उस पे, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है ही नहीं, तो मतलब उन्होंने कुछ एडिशनल चीज डाली हुई है जिसको बताया नहीं है कि भाई ये भी डलता है इसमें। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा जी, अब देखो जैसे ये क्रोमेटोग्राफी है ना, हमने इसमें यहाँ पे एक ब्लैक कलर है, अब इसके अंदर हमें नहीं पता, मैं इस वाले ब्लैक कलर की बात कर रहा हूँ ना, इसमें हमें नहीं पता कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसमें रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, तो मैंने क्या करा, वो रेड वाला कलर अलग से यहाँ बना दिया, जो ब्लू वाला है वो अलग से यहाँ रख दिया पॉइंट्स का एक एक स्पॉट, और येलो वाला अलग से रख दिया यहाँ पे। तो जब स्टार्ट हुई क्रोमेटोग्राफी तो मैंने देखा जब ब्लैक कलर सेपरेट आउट हुआ तो एक यहाँ पे स्पॉट आया रेड कलर का, और एक जो है येलो कलर का स्पॉट आया ऊपर, और एक ग्रीन कलर का स्पॉट आया यहाँ पे। तो अच्छा, अब रेड कलर का जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था, तो रेड कलर वो वाला रेड कलर भी यहीं तक मूव करेगा, जो ब्लू कलर है लेट से वो यहाँ तक मूव हुआ, और जो येलो कलर है वो यहाँ तक मूव हुआ। अब देखो इससे मुझे ये पता चला कि जो मेरा ब्लैक का भी कलर है उसमें सिर्फ तीन कलर्स हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक येलो है, ब्लू नहीं है उसमें। अगर उसमें ब्लू होता तो जहां तक ब्लू ट्रेवल कर रहा है वहां पे भी तो एक स्पॉट आना चाहिए था ना, लेकिन वहां पे हमारे केस में कोई स्पॉट नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि इस ब्लैक कलर को बनाने के लिए ब्लू कलर यूज नहीं हुआ है। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कंपेयर करवा के, कि अगर मैं समझ रहा हूँ कि उसमें ब्लू कलर यूज हुआ है, मैंने वो स्पॉट लगा दिया, लेकिन क्योंकि ब्लू कलर के लेवल पे कोई भी स्पॉट नहीं आया, इट मींस के इस ब्लैक के शेड को बनाने के लिए ब्लू कलर यूज हुआ ही नहीं है। समझ आई बात? कुछ पूछना है तो देखो पूछ लो, थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट हो रहा है इसे समझना। बाकी ये सारी बातें जो अभी तक हमने की है ना वो इस तरह से हैं, ये यहाँ यहाँ पे एक दिखाया हुआ है कि जो रियल में क्रोमेटोग्राफी हो रही होती है तो वो जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल स्पॉट की तरह डिस्क्रीटली सेपरेट आउट नहीं होते, वो कलर जो है ना वो मिक्स हुआ हुआ कलर सेपरेट आउट होता है, कि जैसे पहले ब्लैक था, रेड जो है वो ज्यादा गया तो रेड के कुछ शेड्स आए, पहले डार्क शेड आया, फिर थोड़ा लाइट शेड आया, और फिर येलो अलग हो गया। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, समझने की कोशिश करके जाना यहाँ से, ऐसे ही नहीं। अच्छा देखो हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते हैं यहाँ पे, लेट से मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपना कलर्स वाली क्रोमेटोग्राफी नहीं करते, बल्कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट ना, ताकि क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा।
अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है ना स्पॉट बना हुआ है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, तो मैं बता देता हूँ ऑलरेडी क्या क्या इस क्वेश्चन पे बना हुआ है। ये सारी चीजें ऑलरेडी इस पे बनी हुई हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डायग्राम शोज द क्रोमेटोग्राम ऑफ फोर डिफरेंट शुगर्स यूजिंग द सेम सॉल्वेंट। किसी एक सॉल्वेंट में उसको डिप करा था, जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस मूव करा वो ये वाला है, डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, बेस लाइन से जो उसने डिस्टेंस मूव किया ना, तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। अच्छा अब ए कंपोनेंट ने कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बी कंपोनेंट ने कुछ अलग किया है, सी ने कुछ अलग किया, डी ने कुछ अलग किया। वही कह रहा है कि ग्लूकोज हैज एन आरएफ वैल्यू ऑफ 0.5, विच शुगर इज ग्लूकोज। ये डिफरेंट शुगर्स थी, शुगर जैसे फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारी डिफरेंट शुगर्स होती हैं। तो ग्लूकोज को आइडेंटिफाई अगर करना है तो कह रहा है ग्लूकोज की आरएफ वैल्यू 0.5 है। अब इसमें से आरएफ वैल्यू 0.5 आपने कैसे पता लगानी है, आप इन सबका डिस्टेंस स्केल से मेजर करोगे। जैसे ए का मेजर किया, ए का कंपोनेंट ए का डिस्टेंस ये है, कंपोनेंट बी का किया, सी का करा, डी का करा और सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस मूव मेजर करा। आर एफ वैल्यू क्या लोगे, ए का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। तो अगर आप इसको, तो ये सिंपल सी बात है कि 0.5 कब आएगा, जब न्यूमरेटर में जो वैल्यू हो वो हाफ हो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर से, मतलब जो डिस्टेंस मूव बाय द कॉम्पोनेंट है वो आधा हो और सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस उसका डबल हो। तो वो वैल्यू वैसे देख के भी मुझे पता चल रही है कि वो सी होना चाहिए, लेकिन अगर ये थोड़ी आगे पीछे आती है तो आपने सिंपल क्या करना है एग्जाम में, आपने रूल लेना है और रूल से मेजर करके कि ये डिस्टेंस ए का डिस्टेंस कितना मूव है डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस कितना हुआ है। अगर उसकी आर एफ वैल्यू 0.5 आती तो ए आंसर हो जाता है, जिसकी आर एफ वैल्यू 0.5 आएगी तो वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे देख के भी समझ आ रहा है कि हाफ जो है वो एग्जैक्टली सी ने ट्रैवल किया। मैं हाफ क्यों कह रहा हूँ कि 0.5 हाफ बनता है, सही है। वैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्यू इज अ प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज अ सिंगल आर एफ वैल्यू ऑफ 0.9। अब यहाँ पे 0.5 नहीं कह रहा, वो कह रहा है 0.9। इन द क्रोमेटोग्राम शोन विच लेटर रिप्रेजेंट्स क्यू। तो अगेन यहीं पे आपने यही काम करना है। अब यहाँ पे देखो जो कॉम्पोनेंट्स आपको दिए हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इधर है, एक इधर है, तो आपने इनके डिस्टेंसेस मूव करना है। अब 0.9 जो है वो कहाँ पे, बिल्कुल सॉल्वेंट फ्रंट के पास ही होगा, ठीक है। अच्छा अब जब आप मेजर करोगे तो आपके पास ये दो स्पॉट्स ऊपर वाले ऐसे आएंगे जिनकी आर एफ वैल्यू 0.9 आ रही होगी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि क्यू इज अ प्योर सैंपल। प्योर सैंपल होने का क्या मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही तरह की चीज है। प्योरिटी क्या होती है कि एक ही तरह का मॉलिक्यूल हो या एक ही तरह का कंपोनेंट हो ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज अ सिंगल आरएफ वैल्यू, एक ही आरएफ वैल्यू है इसमें। लेकिन अगर मैं ये लेफ्ट वाला देखूं जो मुझे 0.9 आरएफ वैल्यू पे मिल रहा है, उसमें से एक चीज और निकली है नीचे, इट मीन्स कि ये क्यू नहीं है, क्योंकि ये प्योर नहीं है, इसमें दो कॉम्पोनेंट है। वो कह रहा है कि सिंगल आरएफ वैल्यू मतलब सिंगल कॉम्पोनेंट हो, इट मीन्स सी वुड बी योर आंसर। तो सी क्या होगा, वो क्यू होगा, this is q। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। जैसे क्वेश्चन 97 कह रहा है A mixture of two substances is spotted onto a piece of chromatography paper. The paper is inserted into a beaker containing a liquid. एक spot लगाया mixture का, जिसके अंदर दो substances हैं already, वो separate होंगे और उसको dip कर दिया। इस chromatogram को उठा के जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर ले जाके dip कर देंगे। जब dip करेंगे तो जाहिर है chromatography start होगी, solvent move होगा ऊपर, तो जो दो spots, दो components इसके अंदर हैं
उनको डिफरेंट मूव करा देगा, एक को ऊपर ज्यादा करा देगा, एक को क्या पता नीचे तक ले जाए, क्योंकि अगर सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट हैं। कह रहा है फॉर सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस टू अकर द मिक्सचर मस्ट बी प्लेस सो दैट द स्पॉट इज जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द लिक्विड। अब ये जो लिक्विड का लेवल है ना, ये जो हमारा छुप गया है यहाँ पे, ये सॉल्वेंट का लेवल यहाँ तक है। अब ये जो हम स्पॉट प्लेस करते हैं ना, वो हमेशा जो सॉल्वेंट है उससे ऊपर प्लेस करेंगे। अगर ये मैं सॉल्वेंट में ही डिप कर दूंगा इस स्पॉट को, मतलब मैंने क्रोमेटोग्राम इतना नीचे कर दिया कि जो स्पॉट है ये अंदर चला गया सॉल्वेंट के, तो अगर ये स्पॉट अंदर जाएगा सॉल्वेंट के, तो ये जो स्पॉट है फिर ये मूव नहीं करेगा, ये डिजोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। तो इसमें एक चीज का ख्याल क्या रखना है कि स्पॉट जो है वो मैं क्रोमेटोग्राम को इतना नीचे ना डिप करूं कि वो स्पॉट जो है वो अंदर चला जाए। समझ आई ये वाली बात? तो अगर वो कह रहा है कि स्पॉट स्पॉट इज जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द लिक्विड, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बिलो द लेवल ऑफ द लिक्विड अगर होगी, मतलब अगर सॉल्वेंट जो है वो ऊपर तक है यहाँ पे, तो वो जो आपने स्पॉट लगाया ना, वो ऊपर नहीं जाएंगे कॉम्पोनेंट्स, वो डिजोल्व हो जाएगा यहाँ पे और क्रोमेटोग्राफी नहीं होगी फिर। दूसरी बात ये है कि जो भी स्पॉट है, जब वाटर उसको अपने साथ ऊपर मूव करवा रहा है, तो उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो ही वाटर उनको अपने साथ मूव करवाएगा ना, तो वो सॉल्युबल होना जरूरी है। इनसॉल्युबल अगर होंगे तो वाटर तो मूव ही नहीं कराएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें तुम्हारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो एक तो स्पॉट सॉल्वेंट में डिप ना हुआ हुआ, उससे ऊपर हो। सेकेंड कि वो जो स्पॉट है, जब वाटर मूव कर रहा है, तो वो स्पॉट में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए वाटर के अंदर, और ना सिर्फ वो सॉल्युबल हो बट उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट भी होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसमें दो कोई कंपोनेंट हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है इन वाटर, तो वो तो फिर भी सेपरेट नहीं होंगे, वो तो साथ साथ मूव करेंगे, एक ही डिस्टेंस मूव करेंगे। जब वो एक ही डिस्टेंस मूव करेंगे तो तुम्हें वो पता ही नहीं चलेगा कि इनमें कोई दो अलग चीजें थी या नहीं थी, तो दोनों साथ साथ मूव करके वो एक ही लेवल पे पहुंच जाएंगे दोनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबल तो होने चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन साथ में सॉल्युबिलिट होने के साथ साथ दोनों के दोनों कंपोनेंट या जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट में वो डिफरेंट हो। सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी तो मतलब आरएफ वैल्यू डिफरेंट होगी। या तो आप ये कह दो कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो सॉल्वेंट में, या आरएफ वैल्यू डिफरेंट हो। सही है? तो अगर सी में कह रहा है कंटेन द सब्सटेंसेस ऑफ द सेम आरएफ वैल्यू, अगर सेम आरएफ वैल्यू है तो देखो वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो आप क्रोमेटोग्राफी नहीं कर सकते उसकी। और वो कह रहा है कि सेपरेशन करवाया है, फॉर द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस टू अकर, तो आरएफ वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, सेम आरएफ वैल्यू या सेम सॉल्युबिलिटीज अगर होंगी तो वो सेपरेट नहीं हो सकेगा। ठीक है, अच्छा, कंटेन सब्सटेंसेस दैट आर कलर्ड, तो क्या सेपरेशन होने के लिए जरूरी है कि हम उन्हीं सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकें जो कोई कलर शो कर रहे हो? नहीं, ये बात हमारी हो गई है कि हम लोग जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की अगर मुझे सेपरेशन करवानी है तो उनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, वो दिखते नहीं है पेपर पे, तो उसके लिए हम एक लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करते हैं उसको देखने के लिए। मतलब क्रोमेटोग्राफी कलरलेस के लिए भी यूज करते ही है ना, तो जरूरी नहीं है कि कलर्ड सब्सटेंसेस के लिए यूज करें, इसलिए डी भी गलत है। बी इज द आंसर। ठीक है भाई, चलें आगे। कुछ पूछना है किसी को? जवेरिया, खदीजा, सबिया, जारा, अच्छा, इसके अलावा कुछ? This one. अब इसका आंसर जरा आप लोग मुझे बता दो अगर सही से दिख रहा है क्वेश्चन। इसमें क्रोमेटोग्राम है हमारे पास, जो स्पॉट जहाँ पे हमने ओरिजिनली लगाया है, तो वो जो लाइन होती है उसको हम बेस लाइन कहते हैं, वहीं से सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। तो दिस इज रेड वाली जो है वो हमारी बेस लाइन है, और बेस लाइन पे मैंने जो स्पॉट लगाया है जिसको मैं सेपरेट करवाना चाह रहा हूँ, वो देखो हमेशा सॉल्वेंट से ऊपर होगा, सॉल्वेंट के लेवल से हमेशा ऊपर होना चाहिए वो। अगर वो सॉल्वेंट के अंदर आपने डाल दिया है
तो वो डिजोल्व हो जाएगा, वो फिर मूव नहीं करेगा सॉल्वेंट के साथ, मतलब इस तरह से मूव नहीं करेगा कि सेपरेट आउट होता हुआ दिख रहा हो। तो वो हमेशा जो भी स्पॉट है जिसकी आप क्रोमेटोग्राफी करवा रहे हो, डेट मस्ट ऑलवेज बी अबव द सॉल्वेंट लेवल। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं वैसे हैंडआउट में। अच्छा, अब जो आरए कह रहे, हाउ इज द आरए वैल्यू ऑफ द डाई कैलकुलेटेड, जो डाई आया है वो यहाँ तक पहुंचा है, तो उसकी आरएफ वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस मूव्ड बाय द डाई फ्रॉम द बेस लाइन, तो बेस लाइन से इसका डिस्टेंस देखो कितना है, ये वाला है जिसको उसने क्या लिखा हुआ है, वाई। तो आरएफ वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस मूव बाय द डाई फ्रॉम द बेस लाइन विच इज वाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। अब सॉल्वेंट फ्रंट का जो डिस्टेंस है ना, वो भी हम बेस लाइन से ही लेंगे क्योंकि हम सारे डिस्टेंसेस बेस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप कहो कि जहां पे सॉल्वेंट का लेवल है वहां से डिस्टेंस लेंगे तो वो गलत बात है, हमें सॉल्वेंट फ्रंट का लेवल भी बेस लाइन से लेना है, सबका डिस्टेंसेस बेस लाइन से ही लेना है, ये बात याद रखना। तो हम इसका डिस्टेंस भी बेस लाइन से ही लेंगे, दिस इज द डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। तो ये क्या है, इसने दिया हुआ है दिस मच इज एक्स एंड यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई, सही है। इसका आंसर क्या बनेगा, वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। जेड कहीं भी यूज नहीं हो रहा है इसमें, जेड का कोई डिस्टेंस ऐसा है ही नहीं जो हमने काम कहीं भी यूज करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन और करना है हमें, इस पे ना मैं लिख देता हूँ, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लू, देन वी हैव ब्राउन, ग्रीन, रेड एंड येलो। अच्छा अब देखो पेपर में तो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट ही आना है ना, अब तो हम समझने के लिए कलर्स बना के समझ रहे थे, तो हमें प्रैक्टिस जो है इस ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजों की करनी है। अब अगर वो ब्लू कलर लिखा हुआ है तो वो भी ब्लैक में ही बना के देगा वो आपको, ठीक है। ग्रीन है तो वो भी ब्लैक में ही दिखना है पेपर में आपको, तो पेपर ब्लैक एंड व्हाइट आता है आपका। अच्छा जी क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़े सा हम ट्राई करेंगे, हम कलर्स की थोड़ी सी यहाँ पे ना क्या कहते हैं हेल्प लेंगे, पहले हम लोग बगैर कलर्स की करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं डिफरेंट कलर्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम में आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट ही पेपर आना है ये सारा, और इसी में से आपने आंसर निकालना है। तो हम पहले ट्राई करेंगे कि ऐसे ही करना की कोशिश करें, फिर उसके बाद कलर्स की हेल्प लेके समझ लेंगे, अगर नहीं आता खुदा ना खास्ता किसी को समझ। कह रहे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ब्लैक इंक, ये पढ़ रहा हूँ मैं, ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन रेड एंड येलो इंक। अब जो ब्लैक इंक है वो कह रहा है कि वो कैसे कैसे बनाई जा सकती है, अगर वो ग्रीन कलर मिक्स करके बनाई गई है तो उसमें ग्रीन कलर का भी एक कंपोनेंट आएगा। अब ग्रीन कलर में देखो कितने कंपोनेंट्स हैं, ग्रीन कलर यहाँ पे लगाया ना मैंने नीचे, तो ग्रीन कलर में एक ही कंपोनेंट आया ऊपर, और वही कंपोनेंट ब्लैक कलर में भी है। कैसे पता, क्योंकि ब्लैक कलर में एक कंपोनेंट है जो उसी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर चुका हुआ है जो ग्रीन कलर का कंपोनेंट ट्रेवल कर चुका हुआ है, सही है। तो इट मीन्स के ब्लैक इंक को बनाने में ग्रीन कलर यूज हुआ है, तो ब्लैक इंक को बनाने में ग्रीन कलर यूज हुआ है, और यही पूछ रहा था क्या ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन, यस ग्रीन कलर तो यूज हुआ है। फिर कह रहा है रेड, अच्छा अब अगर रेड कलर यूज हुआ है ब्लैक इंक को बनाने के लिए, तो रेड कलर की जब क्रोमेटोग्राफी की तो उसके देखो दो स्पॉट्स आए, वो दो स्पॉट जो है वो रेड कलर के ऊपर, जहाँ रेड लिखा हुआ है उसके ऊपर है, तो क्या ये दोनों स्पॉट्स ब्लैक कलर में है, ऊपर वाला तो है लेकिन जो नीचे वाला है वो नहीं है ब्लैक कलर में, देखो यहाँ पे खाली है। इस वैल्यू पे जो रेड कलर में रेड कलर के दो कंपोनेंट है, जैसे मैं कह दूं R1 R2, तो R1 वाला कंपोनेंट तो ब्लैक में जब क्रोमेटोग्राफी की तो अलग होके पता चल गया कि R1 तो एग्जिस्ट करता है ब्लैक कलर को बनाने में,
लेकिन आर टू नहीं है, आर टू देखो यहाँ पे नहीं है। इसका क्या मतलब है कि रेड इंक यूज नहीं हुई है ब्लैक कलर को बनाने के लिए, और ये जो आर वन के लेवल पे जो स्पॉट आया है वो किसी और वजह से भी आ सकता है। अगर आना होता है तो दोनों आते, अगर रेड को डाला है बाकी मैंने, अगर ये वाला रेड ब्लैक में डाला है तो इसके दोनों कॉम्पोनेंट्स आते हैं ना, ऐसा कैसे है कि एक ही आया है। इट मीन्स रेड कलर इज नॉट यूज इन मेकिंग दिस ब्लैक इंक। तो जब रेड कलर यूज नहीं हुआ, ग्रीन हुआ था रेड नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट तो पूरा ही गलत हो गया ना। तो तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ, वो कह रहा है कि येलो इंक भी यूज हुई है। अब अगर येलो इंक का स्पॉट देखो तो येलो इंक का स्पॉट यहाँ पे आ रहा है जो ग्रीन में भी आ रहा था और ब्लैक में भी आ रहा था, तो इट मीन्स येलो हुई है लेकिन क्योंकि रेड नहीं हुई तो ये ऑप्शन ही पूरा गलत हो गया। समझ आई ये वाली बात? किसी को अगर नहीं समझ आई तो पूछ तो जल्दी से। ओके अच्छा ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि ब्राउन इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड रेड इंक। अच्छा अब ब्राउन इंक के लिए अगर हम देखें तो जो मैंने जितनी भी चीजें लिखी है ना मैं मिटा दूं ताकि ना उन लोगों को सही समझ आए जैसा वो एग्जिस्ट करना। अगर जैसा ही एग्जिस्ट करता है ना वैसा ही, ये जो मैंने R2 R2 लिखा था ना ये मैं मिटा अच्छा जी। अब वो ये कह रहा है कि ब्राउन इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड रेड इंक। अब ब्राउन इंक देखो यहाँ पे है, ब्राउन इंक बनाने के लिए कह रहा है कि ब्लू और रेड इंक मिक्स हुई है। अच्छा जी तो ब्लू इंक अगर मिक्स हुई है तो ब्लू में देखो एक ही स्पॉट आ रहा है ऊपर, ब्लू के ऊपर देखो अगर तो एक स्पॉट आ रहा है, क्या वो स्पॉट ब्राउन में है? बिल्कुल है, तो ब्लू में स्पॉट आ रहा है वो ब्राउन में है। इट मीन्स के हाँ ब्लू बनाने के लिए ब्लू को ब्राउन में डाला गया है, क्योंकि जो ब्लू में स्पॉट है वो ब्राउन में भी है, एक स्पॉट ऊपर है एक स्पॉट नीचे है, तो यानी कि ब्राउन यूज क्या कहते हैं ब्लू ब्राउन बनाने के लिए ब्लू यूज हुआ है। रेड यूज हुआ है या नहीं हुआ? देखो अगर रेड यूज होना होता तो रेड में देखो अभी हमने देखा कि दो कॉम्पोनेंट्स हैं, लेकिन ब्राउन में चलो आर वन तो है क्योंकि उसके लेवल पे एक स्पॉट आ रहा है, लेकिन अगेन आर टू के लेवल पे कोई स्पॉट नहीं आ रहा, इट मीन्स रेड कलर को यूज नहीं किया गया इन्होंने, तो बी भी गलत हो गया। सही है, अब जरा ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। अभी किसी को अगर कुछ पूछना है यहाँ तक देखो कि ए और बी क्यों गलत हुए हैं ऑप्शन, तो पूछ लो, थोड़ी भी कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लो प्लीज। अच्छा ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, येलो इंक कैन बी यूज्ड टू मेक ब्राउन इंक। अच्छा येलो इंक को अगर ब्राउन इंक बनाने के लिए यूज किया है तो येलो में देखो एक ही स्पॉट है ये वाला येलो के ऊपर जो है, तो अगर वो ब्राउन इंक बनाने के लिए यूज हुआ है येलो कलर तो ब्राउन इंक में भी ये स्पॉट आना चाहिए ना। इस लेवल पे ब्राउन इंक में देखो कोई स्पॉट है ही नहीं येलो के लेवल पे, ये है ब्राउन वाला, तो यहाँ पे तो कोई स्पॉट ही नहीं है। इट मीन्स के येलो इंक बनाने के लिए, अच्छा येलो इंक सॉरी ब्राउन इंक बनाने के लिए येलो कलर यूज नहीं हुआ है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है येलो इंक कैन बी यूज्ड टू मेक ब्राउन इंक, हैड येलो इंक बीन यूज्ड टू मेक ब्राउन इंक, तो येलो इंक का जो कॉम्पोनेंट है दैट शुड हैव बीन प्रेजेंट इन द ब्राउन इंक ना, जो कि नहीं है, तो येलो इंक में कॉम्पोनेंट्स हैं, अभी यहाँ पे एक ही कॉम्पोनेंट दिया हुआ है उन्होंने, वो ब्राउन में होना चाहिए था जो कि नहीं है, इससे सी भी गलत है। ठीक है सो आंसर वी आर लेफ्ट विद इज डी ऑफ कोर्स, बट हम लोग डी भी इस तरह से कंफर्म करेंगे कि वाकई में डी आंसर है या नहीं है, तो वी आर श्योर कि सी नहीं है।
बी कहता है येलोइंग मे बी प्रेजेंट इन ग्रीनिंग. देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कितनी ज्यादा चेंज कर दी है, येलोइंग मे बी प्रेजेंट इन ग्रीनिंग, मतलब येलो इंक तो है लेकिन और भी कोई इनिंग हो सकती है ग्रीनिंग बनाने के लिए, लेकिन क्या येलो है या नहीं हमें बस ये कंफर्म करना है इस स्टेटमेंट में. तो येलो इंक का जो डाई है वो एक ही आ रहा है जो कि अभी हमने देखा, और ग्रीनिंग अगर देखो तो ग्रीनिंग में दो डाई आ रहे हैं, एक ये रहा नीचे और एक ऊपर. जो ऊपर वाला आ रहा है वो येलो के लेवल पे आ रहा है, तो इट मीन्स हाँ येलो इंक यूज हुई है ग्रीनिंग को बनाने के लिए. क्या ग्रीनिंग को बनाने के लिए कोई और इंक यूज हुई है, मुझे उससे कंसर्न नहीं है. उसने मुझे ये जो स्टेटमेंट दी है येलोइंग मे बी यूज टू प्रेजेंट इन ग्रीनिंग, अब मे बी का क्या मतलब है, क्या पता येलोइंग ना यूज हुई हो तो फिर कौन सी हुई होगी, ब्लैकिंग, ब्लैकिंग का भी तो सेम आ रहा है ना यहाँ पे. तो लेकिन ये जो स्टेटमेंट है येलोइंग मे बी प्रेजेंट इन ग्रीनिंग तो ये कंफर्म कर रही है, क्योंकि येलो पे जो डाई है और ग्रीन पे जो डाई सेम लेवल पे आ रहा है, तो इट मीन्स वो येलो ही है, येलो यूज हुआ है ग्रीन को बनाने में. तो डी इज द आंसर. जी कंफ्यूजन क्वेरी किसी को, अच्छा ये क्वेश्चन तो कर लिया है, रिपीटेड है, नीचे आया हुआ है. इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, यस ये एक और क्वेश्चन है, ये कर लो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, पेपर टू में भी अभी निकाल के कर लेते हैं इसके क्वेश्चन. इसका अगर आंसर आप लोग मुझे सब खुद बता दो तो ज्यादा बेटर है. इट इज सेइंग टू मेक द स्पॉट कंटेनिंग Fe3 पॉजिटिव आयन मोर विजिबल, द पेपर इज स्प्रेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सो दैट अ प्रेसिपिटेट ऑफ Fe3 हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. तो जैसे कुछ अगर हमें नहीं दिख रहा तो हम लोकेटिंग एजेंट स्प्रे कर रहे हैं ना यहाँ पे, अब डिपेंड करता है किस चीज की क्रोमेटोग्राफी है. अब जैसे यहाँ पे आयरन का आयन था Fe3 पॉजिटिव आयन, उसको मोर विजिबल करने के लिए उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड स्प्रे कर दिया, और हम लोगों ने टेस्ट फॉर कैटाइन्स और एनाइन्स में पढ़ा है कि जिस सोल्यूशन में Fe3 पॉजिटिव आयन होते हैं उसमें अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो उसके साथ जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर होता है रेड ब्राउन या ब्राउन, और Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर. फिर पूरे अंडर द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट द RF ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन इज गिवन बाय, अच्छा RF वैल्यू कैसे निकालोगे, ये स्टार्टिंग लाइन जो है यही बेस लाइन है, स्टार्टिंग लाइन को बेस लाइन भी, बेस लाइन को स्टार्टिंग लाइन भी कहते हैं. तो इसकी RF वैल्यू कैसे होगी, डिस्टेंस मूव बाय Fe3 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रंट जो कि y है, तो x ओवर y RF वैल्यू होगी, और उसका कलर क्या आएगा, एंड द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज रेड ब्राउन क्योंकि वो Fe3 पॉजिटिव आयन है. क्लियर?